ये उनके शरीयत, अपने शरीयत के अनुसार जो श्री गोविंद गिरी जी महाराज ने कहा है उसको स्वीकार करें और शहर से हिंदुओं को समर्पित कर दें। ज्ञान बापी मंदिर है, ज्ञान बापी मस्जिद नहीं है। भाईचारे के यही मिसाल है, केवल तीन ही मंदिर के लिए मांग है। सारी दुनिया के लोग जानेंगे कि हाँ, वो चूंकि मंदिर था ज्ञान बापी, इसलिए सहर्ष मुसलमानों ने उसको हिंदुओं को समर्पित कर दिया है। हमारी तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि इन तीन मंदिरों को सौंप दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये आक्रमक आक्रांताओं के हमारे ऊपर किए गए आक्रमणों के सबसे बड़े निशान हैं। हमारी तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि इन तीन मंदिरों को सौंप दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये आक्रमक आक्रांताओं के हमारे ऊपर किए गए आक्रमणों के सबसे बड़े निशान हैं। और इसके कारण लोगों के अंतःकरण में, राष्ट्रीय समाज के अंतःकरण में बहुत वेदना है, और यदि इस वेदना को ये लोग शांति के साथ दूर कर देते हैं तो भाईचारा बढ़ने में और अधिक सहयोग मिले। बहुत अच्छी बात है, यह जो उन्होंने सुझाव दिया है ये मुस्लिम पक्ष को दिया है, क्योंकि उनको चाहिए कि जब सबूत है उनको शरीयत के अनुसार यह है कि मंदिर तोड़ के या कोई भी मकान तोड़ के मस्जिद नहीं बनती, यदि बनती है तो उसमें अल्लाह खुदा उस नमाज को अदा करने पर स्वीकार नहीं करता। यह उनके शरीयत, अपने शरीयत के अनुसार जो श्री गोविंद गिरी जी महाराज ने कहा है उसको स्वीकार करें और शहर से हिंदुओं को समर्पित कर दें। और वह ज्ञान बापी मंदिर है, ज्ञान बापी मस्जिद नहीं है, ये सारे सबूत मिल चुके हैं। पूजा अर्चना भी यह जिला कोर्ट ने समर्पित कर दिया, दे दिया है आदेश, और उसमें पूजा अर्चना भी शुरू हो गई है। भाईचारे के यही मिसाल है, केवल तीन ही मंदिर के लिए मांग है। तो ये राम जन्मभूमि हो गया है, अब यह भी सबूत के साथ ज्ञान बापी को हिंदुओं को सौंप दें मुसलमान, यही इनके लिए अच्छा होगा और यही भाईचारे का मिसाल होगा, और सारी दुनिया के लोग जानेंगे कि हाँ, वो चूंकि मंदिर था ज्ञान बापी, इसलिए सहर्ष मुसलमानों ने उसको हिंदुओं को समर्पित कर दिया है। यह बात सारे दुनिया में जाएगी और सारे दुनिया के लोग इसकी प्रशंसा करेंगे, और भाईचारे की जो बात है, गंगा जमुनी की जो संस्कृति है, वो बनी रहेगी भारत में, और सारे दुनिया के लोग ये समझेंगे कि हाँ, हिंदुओं के लिए यह मुसलमानों ने क्या उदारता दिखाई है, और उनकी उदारता, उनकी प्रशंसा भी होगी, और सही रूप से भाईचारे की जो बात है बनी रहेगी, ऐसा माननीय श्री गोविंद गिरि जी महाराज ने जो कहा है उसे सहर्ष मुसलमानों को स्वीकार कर लेना चाहिए, जिससे हमारी जो संस्कृति है, भाईचारे की जो भावना है, बनी रहे।